हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि दूध में पानी है या नहीं। देखिए, जैसे हम आपको बताते हैं कि हमने एक खाली गिलास लिया हुआ है, एक गिलास दूध है और ये पानी है, ठीक है। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कुछ लोग ये करते हैं कि दूध दे देते हैं, उसमें पानी मिला देते हैं, हम पहचान नहीं पाते, तो हम इसकी पहचान बताएंगे। सबसे पहले हम इसकी मीटर के बारे में बताएंगे। जी, हमारा मीटर है, ये हमारा 20 साल पुराना मीटर है। हमने खरीदा था क्योंकि दूध में पानी मिला आता था, उसमें पानी गंदा भी मिला देते हैं और इन्फेक्शन भी आते हैं, इसलिए हमने इसको लेके रखा है कि हम अपन सब अपन पहचान कर सकते हैं। निकाल लिया इसको, ये काला है और इसमें से जो लाल निशान है यहाँ तक है तो समझ लीजिए कि पानी नहीं है, इसमें पानी नहीं होता। इसके ऊपर गया तो उसमें पानी मिला होता है। देखिए, अब मैं इसको दूध में डाल के बताती हूँ। देखिए, ऐसा डाल दिया गया। अब हम इसको निकाल के देखते हैं इसमें दूध में पानी है कि नहीं। देखिए, इसमें दूध में पानी नहीं है क्योंकि ये लाल निशान तक आया है, आपको देखेगा वो। ये देखिए, इसमें पानी नहीं है क्योंकि लाल निशान तक आया है। आप देखिए, मैं इसमें कुछ दूध इस गिलास में खाली कर लूँगी और फिर इसमें थोड़ा पानी मिक्स कर लेंगे जो गिलास में हमने भर के रखा हुआ है। ये देखिए, पानी मिला दिया। अब इसमें पता लगेगा कि दूध में पानी है। देखिए, अब क्योंकि अपन ने पानी डाला है, देखिए मीटर नीचे बैठ चुका है, इसमें पानी है। ये देखिए, मीटर से पहचान, ये देखिए इतने ऊपर आ चुका है, इसमें पानी है। देख लीजिए, ये पानी है इसमें। इस दूध से पता लग जाता है, इसमें कम से कम आधे से थोड़ा कम पानी है। एक किलो में 3 पाव दूध है और 1.5 पाव पानी है। आप हमें ये बताइए, ये जो रेड जो दिख रहा है, ये रेड के ऊपर तक आ चुका है? हाँ, तो ये रेड के ऊपर तक आ चुका है, इसमें पानी मिक्स है। देखिए, जैसे आपको इन्होंने बताया है कि कुछ देर पहले इन्होंने दूध बताया था, तो दूध में जब हमने मीटर को देखा था तो वो जो रेड लाइन होती है, अगर वो रेड लाइन के नीचे तक अगर दूध है तो उसमें बिल्कुल पानी नहीं है। लेकिन अभी जब इन्होंने इसमें पानी और दूध डाला तो देखिए, ये आपको हम अच्छे से बताते हैं, ये क्या है, बहुत छोटा है तो ये दिख नहीं रहा है, हम आपको और अच्छे से बता देते हैं। ये देखिए, ये आपको 30 के नीचे जो रेड लाइन दिख रही है अच्छे से, ये रेड लाइन की पहचान होती है। अगर रेड लाइन के ऊपर तक अगर दूध जाता है तो उसमें पानी है। जैसे कुछ देर पहले आपने इस वीडियो में देखा था, ये हमारा 20 साल पुराना है, इसको हमने संभाल के रखा हुआ है। अभी भी आप चाहो तो बाजार में मिल सकता है, पता कर लीजिए, कहीं भी मिल जाएगा। जब हमने ये मंगाया था, जबकि क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा मिला हुआ आता था, तो हमने कहा कि इसको मंगा के चेक करेंगे। फिर आप जब से हम चेक कर रहे हैं तो पानी सही दे रहा है, दूध सही दे रहे हैं। देखिए, इन्होंने जिस तरह एक बुजुर्ग महिला ने आपको ये बताया है कि किस तरह इन्होंने दूध और पानी की हमें जानकारी दी है, तो इससे आप ये पता लगा सकते हो कि जो लोग जो दूध बेचते हैं हमें कितना, मतलब वो दूध में पानी मिला के देते हैं। तो आपको इस जानकारी के लिए अगर आपको कोई एडवाइस लेनी हो तो आप हमसे ले सकते हैं। और प्लीज कोई भी चीज के लिए कोई कमेंट्स करना हो तो हमें प्लीज कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।